किस निष्कर्ष पे आप लोग पहुंच पाए? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने कल मुझसे टाइम मांगा था, मिलने के लिए टाइम मांगा था, और जैसे ही कल उनकी चिट्ठी आई मैंने उनको टाइम दिया। आज सुबह 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा विधायक दल है वो दिल्ली सचिवालय में बैठा हुआ था। हमने उनको काफ़ी डिटेल में समझाया कि किस तरह से जो पूरा सर्विसेज मैटर है कि किसी की भी भर्ती करनी है, बस मार्शल्स को परमानेंट करना है, रेगुलराइज करना है, ये सारा सर्विस मैटर्स में आता है। और क्योंकि ये सर्विस मैटर्स में आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी पता है कि ये सारे सर्विस मैटर्स हैं और ये सारे अधिकार एलजी साहब के पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं। बस मार्शल्स भी इस बात को जानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम चुनी हुई सरकार ने रोका हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एक्सपोज हो गया। इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, हमारी पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई थी और हमने स्पष्ट कर दिया कि जो डिसीजन हमें लेने की जरूरत है वो हम ले लेंगे, जो डिसीजन एलजी साहब से करवाना है वो भारतीय जनता पार्टी करवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब से कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सिर्फ राजनीति कर रही है बस मार्शल्स के साथ। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन 10,000 बस मार्शल्स को निकलवा दिया, उसके बाद आज वो हमारे पास आए, वो एलजी साहब के पास जाने को तैयार भी नहीं थे। उन्होंने जिद करी कि कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए और कैबिनेट का प्रस्ताव होना चाहिए। हमने वहीं पर इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, हाथों हाथ बुलाई, और जो दिल्ली विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित किया था बस मार्शल्स को रेगुलराइज करने का, वो हमने वहां पर कैबिनेट में साइन किया, उसकी एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी को भी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई क्योंकि पहले वो एलजी ऑफिस में चलने को तैयार नहीं थी, फाइनली वो आए हमारे साथ, लेकिन एलजी ऑफिस आने के बाद भी वो एक बार भी एलजी साहब को बोलने को तैयार नहीं थे कि आप इस कैबिनेट नोट को पास कर दो। भाई ये तो पूरी तरह बस मार्शल्स के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। वो जो काम चुनी हुई सरकार को करना था वो चुनी हुई सरकार ने कर दिया। चुनी हुई सरकार ने बस मार्शल्स को पक्का करने का कैबिनेट डिसीजन ले लिया। अब बॉल भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी जो बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है, मेरी उनसे अपील है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है सारे बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रेगुलराइज करने का निर्णय ले लिया है, अब भारतीय जनता पार्टी उनको रेगुलराइज कराए और उनको नियुक्ति पत्र दिलवाए।